हेलो एवरीवन, नर्सिंग लेक्चरर के इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू चेंज और कन्वर्ट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, यानी हम किस तरह सेंटीग्रेड में मेजर किए हुए टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट में किए गए टेम्परेचर को सेंटीग्रेड में और केल्विन को सेंटीग्रेड में बदल कर लिख सकते हैं। टेम्परेचर लेने के ये तीन तरीके हैं, नंबर वन सेंटीग्रेड जिसे हम सेल्सियस भी कहते हैं, नंबर टू फ़ारेनहाइट और नंबर थ्री केल्विन, जिसे ज़रूरत के वक्त एक दूसरे के साथ बदल सकते हैं। बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट यानी गर्मी और ठंड से जमने में न्यूमेरिकल वैल्यू का फ़र्क। पानी अगर 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होना शुरू होगा तो फ़ारेनहाइट में इसकी वैल्यू 212 फ़ारेनहाइट होगी, जबकि अगर केल्विन में मेजर किया जाए तो इसकी वैल्यू 373 केल्विन होगी। इसी तरह फ्रीजिंग पॉइंट और के वैल्यू में भी तीनों के दरमियान में फ़र्क है। फॉर्मूला, इसके लिए सबसे पहले हमें सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन ये तीनों फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत क्लियर और आसान है। नंबर वन, सेंटीग्रेड सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर हमें किसी पेशेंट का या किसी इंसान का टेम्परेचर चेक करना है और वो है 40 सेंटीग्रेड और अब हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके लिखना है, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि न्यूमेरेटर 9 बड़ा है और डिनोमिनेटर 5 छोटा है, यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा है। ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे 9/5 की जगह चेंज करके 1.8 लिख सकते हैं। सी सेंटीग्रेड की जगह पेशेंट का किया हुआ टेम्परेचर, यानी पेशेंट का लिया हुआ टेम्परेचर 40 लिखेंगे, बाकी हर जगह इसी तरह रहेगी। फिर उसूलों के मुताबिक पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करेंगे और यानी 40 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यानी ख़त्म हो जाएगा। फिर बाकी रह जाने वाला नंबर 32 को 72 के साथ प्लस करेंगे तो आंसर 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम सेम फॉर्मूले और सेम वैल्यू 40 सेंटीग्रेड की जगह न्यूमेरिकल वैल्यू यानी 40 रखने के बाद इसे चेंज ना करें, बल्कि 1.8 में ना बदलें, बल्कि इसे सिंप्लीफाई कर दें जहां तक ये सिंप्लीफाई हो सकती है, जैसे 5 और 40 को 5 × 5 और 5 × 8 = 40 को सिंप्लीफाई किया और फिर रिमेनिंग वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 72 आंसर आ जाएगा और ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। फिर 32 के साथ 72 को प्लस करेंगे तो सेम आंसर 104 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अगर हमने किसी पेशेंट या इंसान का टेम्परेचर चेक किया है और वो है 104 फ़ारेनहाइट, अब हमें इसे सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके लिखना है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि 104 माइनस 32 करने पर 72 आ गया और ब्रैकेट ख़त्म हो गया। 5/9 में न्यूमेरेटर यानी ऊपर वाला वर्ड वैल्यू 5 छोटा है और डिनोमिनेटर 9 बड़ा है, इसलिए इसे हम डिवाइड करके चेंज नहीं कर सकते, यानी इसे 1.8 नहीं बना सकते, ये इसी तरह रहेगा। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो कर लेंगे, जैसे यहाँ मुमकिन है 9/9 और 9/8 = 72। फिर 8 को और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर 40 सेंटीग्रेड आ जाएगा। अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर हमने केल्विन में मेजर किया है और उसका टेम्परेचर है 310 केल्विन, अब हम उसे सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सेंटीग्रेड से आंसर केल्विन में चाहिए तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर केल्विन से आंसर सेंटीग्रेड में चाहिए तो फॉर्मूला इस तरह से अप्लाई होगा, यानी सेंटीग्रेड मल्टीप्लाई से पहले आ जाएगा और के माइनस 273 हो जाएगा और फिर वैल्यू रखकर इसे माइनस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा।
अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें यानी बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।